हेलो दोस्तों, बॉस्ट ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अगर बात करें हम इस वीडियो की, तो मल्टीपल कंपनीज के रिजल्ट आज की डेट में आते हुए दिखाई दिए और दिग्गज कंपनियों के कह सकते हैं कि रिजल्ट आज के दिन में दिखाई दिए, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ हलचल थी और वेट कर रहे थे एग्रेसिवली लोग कि कब रिजल्ट आएंगे, उसके बाद उन स्टॉक पर किस तरीके का रिएक्शन आएगा। इस तरीके की जैसे कि SBI की बात करें, उसके रिजल्ट आए थे, धानुका की बात करें, उसके रिजल्ट आए थे, और बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट आने थे जो कि अभी तक शायद आए नहीं है या फिर आने वाले हैं, तो वो वीडियो शायद छूटेंगी, बट स्टिल बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, जो कि आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे और दूसरे लोगों को भी कनेक्ट कराए। क्योंकि देखिए, पैसा कमाने का मजा तभी है जब आप एक एक साथ यूनिटी में कमाएंगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी साथ में लेके आएंगे और उन्हें बताएंगे कि हाँ हमें इस तरीके से नॉलेज मिलती है स्टॉक मार्केट के में, एज वेल एज ये गैम्बलिंग नहीं है, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से आप अच्छा खासा आप तो खुद पैसा कमाएंगे, दूसरों की भी आप ब्लेसिंग लेके रहेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट एक बार बात की, यहाँ पर अभी वीडियो बनाई गई थी एक ये और एक मैक्स हेल्थ केयर से, वो अपडेट नहीं हुई है, अगर रिफ्रेश करूँगा अपडेट हो जाएगी, तो इन वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा। एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर रिजल्ट हम देख लेते हैं। आरती सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड, ये कंपनी मैं 200 रुपये से देख रहा था और मैं उस टाइम कोशिश कर रहा था खरीदने की, बट लोअर अपर सर्किट में चल रही थी और फिर जब अपर सर्किट खत्म हुआ था मुझे लग रहा था शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट स्टिल उसके बाद भी 600 रुपये से सीधे इसने एक जंप लगाई है। ओके, 1500 के आसपास ये शेयर डील कर रहा है। 3 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड मिला है अगर इसके रिजल्ट देख लेते हैं। ये डीमर जूती आई थिंक आरती इंडस्ट्री से, तो यहाँ पर देख लीजिए ये इस बार के रिजल्ट है, Q3 लास्ट ईयर के रिजल्ट है, स्टैंड अलोन रिजल्ट है, स्टैंड अलोन, और उसमें थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो 12,618, 10,668 और 6,929 लाख रुपीज़ के यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पर इनकम होती हुई नज़र आई है, जो कि ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पर अच्छी खासी नज़र आ रही है। एज वेल एज बात करें एक्सपेंसिस की, एक्सपेंसिस भी उसी तरीके से खर्च होते हुए दिखाई दी है, 11,933, 10,101, 8,547, तो एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आया है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 570 लाख रुपीज से पहले 479, से पहले 334 लाख रुपीज, तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। तो यू कैन कैरी ऑन विद दिस कंपनी, और ये ऐसे केमिकल्स बनाती है जो आपके हेयर, जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं, ओरल केयर लाइक अगर बात करें यहाँ पर टूथपेस्ट वगैरह से रिलेटेड जो आप यूज़ करते हैं, तो उसमें ये कंपनी डील करती हुई नज़र आती है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। एज वेल एज बात करें EPS 7.52, 6.31, 4.4, तो EPS भी बढ़ता हुआ नज़र आता, तो कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट पेश करे, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। एज वेल एज बात करते हैं SS कोठारी मेहता एंड कंपनी, इनकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं डिविडेंड, आई डोंट थिंक सो कंपनी दिया, अगर दिया है तो एक बार NSE की साइट पर जाके आप देख लीजिएगा। अगर बात करें यहाँ पर धानुका एग्रीकल्चर लिमिटेड, और ये इस कंपनी एक बीच में वीडियो बनाई थी जो गेम स्टॉक की तरह का रिजल्ट, मतलब कंपनी भारत दे जा रही थी, फार्मा की कंपनी थी, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट की, इन लैक्स में ही दे रखा है। अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल रेवेन्यू 28,530 से पहले 30,000 था, इससे 23,000, तो ईयरली बेसिस पर अच्छा परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंसिस भी ईयरली बेसिस पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। टोटल एक्सपेंस अगर यहां पर बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि यहां पर दे रखा है, यहां पर देख लीजिए 4,864 लाख रुपीज, इसे 4,004, इससे पहले 3,900 लाख रुपीज का यहां पर प्रॉफिट था, तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है, तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा। EPS भी 10.45 रुपीज, इससे पहले 8.54 रुपए था, इससे 8.19 रुपए का EPS यहां पर नजर आ रहा है, तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। कंपनी का नाम है धानुका एग्रीकल्चर एग्रीटेक लिमिटेड। एज वेल एज बात कर लेते हैं जी इंटरटेनमेंट की, इसके रिजल्ट कल आए थे जो हम बता नहीं पाए थे, क्योंकि उस टाइम तक रिजल्ट आई थिंक नहीं आए थे, तो अगर बात करें 2.5 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड दिया है। जी इंटरटेनमेंट की बात करें तो अच्छा खासा इसका चार्ट पैटर्न है नहीं, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर यहाँ पर आप देख लीजिए इंडेक्स में रिजल्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये इस बार के रिजल्ट, ये Q3 या Q4 के, तो 2 लाख
ओके 2,227,000 लक्षण रुपये से पहले, 2,13,000 इससे पहले, 1,77,000। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरती हुई कंपनी के रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। मतलब इनकम एक्सपेंस की बात करें, टोटल एक्सपेंस 1,35,000 इससे पहले, 1,48,000 इससे पहले, 1,92,000। तो एक्सपेंस यहाँ पर घटते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि इसके प्रॉफिट को तब्दील कर देगी, एक गेम चेंजिंग मोड कह सकते हैं। आप बात करें यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर देखिए हम 43,742 लैक्स इन रुपीज़ से पहले, 44 इससे पहले, 30,000 का नेगेटिव में यहाँ पर लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर रिजल्ट थे। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, क्वार्टरली बेसिस फ्लैट कह सकते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट जो कि ईपीएस से साफ झलकेगी। 4.55 रुपये का ईपीएस इस बार का, 4.62 रुपये का लास्ट टाइम का, इससे पहले 3.13 रुपये का नेगेटिव मिला। तो जी इंटरटेनमेंट से अच्छी अच्छी देखिए मार्केट में इतनी बेहतरीन बेहतरीन कंपनी है ना, कि आप पकड़ोगे तो आप अच्छी खासे रिटर्न मिल जाएगी। जैसे कि आज मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाली वीडियो है ब्रेकआउट, ओके आई थिंक यहाँ पर गलत लग गया, यहाँ पर आप देख लीजिए। ये मुझे मॉर्निंग में ही मैंने चार्ट पैटर्न देखा और मुझे लगा कि ये भागेगा, और ऑब्वियसली बात है ये भागा। ऑलरेडी मेरे पास शेयर था और खरीद रहा था, बट मेरे प्राइस तक नहीं आया। और इस तरीके से अच्छी कंपनी में रहो तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता ही है। तो आपको जो जो अच्छी कंपनी नहीं है उन पे पैसा लगाने से अच्छा है दूसरी कंपनी में लगाओ, थोड़ा वेट करो, आपको अच्छा खासा 30-40-50% का रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बात करते हैं SBI की बात, तो SBI ने अच्छे खासे रिटर्न रिजल्ट पेश करे कि नहीं वो हम देख लेते हैं। डिविडेंड की बात करें, कंपनी एस बैंक ने यहाँ पर डिविडेंड देते हुई नज़र आई है, डिविडेंड दिया 2-4 रुपये का डिविडेंड दिया है। हाँ, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट की, तो इन करोड़्स में रिजल्ट है, ओके यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा आपको देखने में शायद कठिनाई हो सकती है, बट नो नॉट एन इशू। इंटरेस्ट इनकम की मेन होती है अगर बात करें बैंक की, तो यहाँ पर देखते हैं 65,101 इससे पहले 66,734 इससे पहले 62,681, तो यहाँ पर ईयरली बेसिस में यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है इंटरेस्ट पर, क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट है, इन करोड्स में रिजल्ट है। टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो 81,326 इससे पहले 75,980 इससे पहले 76,000, तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा टोटल इनकम में यहाँ पर गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो भी किसकी वजह से, अदर इनकम की वजह से है, अदरवाइज यहाँ पर शायद फ्लैट रिजल्ट आते हुए नजर आते। तो यहाँ पर इस चीज को देखिएगा, एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेंस की, तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर 61,626 से पहले 58,000 इससे पहले 60,293, यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, टोटल इनकम बढ़ी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम। यहाँ पर बात करते हैं प्रोविजनिंग की, तो प्रोविजनिंग यहाँ पर अच्छी खासी कर रखी है, यहाँ पर बात करें प्रोविजनिंग 11,051 इससे पहले 10,000 था, इससे पहले 13,000 था, ईयरली बेसिस पे कम हुई है, बट क्वार्टरली बेसिस पे प्रोविजनिंग बढ़ा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मॉरेटोरियम से रिलेटेड दोबारा न्यूज, बैड लोन, काफी सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती है। नेट प्रॉफिट की यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर ये 6,450 इससे पहले 5,196 इससे पहले 3,580, तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी बैंक ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। बट यहाँ पर ही ये सब चीज़ खत्म नहीं होती, ओके यहाँ पर आगे हमें देखना होता है ईपीएस, यहाँ पर देख लीजिए 7.23 रुपये का ईपीएस है इससे 5.82 रुपये इससे पहले 4 रुपये, एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर एनपीएस मेन होते हैं, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि जिन्हें लगता है कि बैंकों की वापस नहीं मिलेंगे। ग्रॉस एनपीएस की बात करें परसेंटेज में, तो 4.98% इससे पहले 4.77% था, इससे पहले 6.1, तो ईयरली बेसिस पर गिरावट है, बट क्वार्टरली बेसिस थोड़ा स्लाइटली जंप है। एज वेल एज बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट नेट एनपीएस की, यहाँ पर भी ईयरली बेसिस पर यहाँ पर गिरावट, क्वार्टरली बेसिस पर दोबारा स्लाइटली यहाँ पर जंप है, तो इसे देख लीजिएगा। बाकी अमाउंट में बात की जाए तो अमाउंट में यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं। तो SBI के रिजल्ट ठीक ठाक है, ओके कंपनी बैंक के ऑब्वियसली सबसे बड़ा बैंक भी है, तो इसके साथ बने भी रह सकते हैं। और इसके अलग अलग लोग अलग अलग टारगेट बता रहे हैं कि ये बैंक जो PSU बैंक से एक थीम बनी हुई है और आगे चल के बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद साउथ इंडियन बैंक, एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा भी था कि साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट पेश किए जाए, तो उन्हीं के लिए रिजल्ट है और सभी के लिए एक्चुअली में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक्स में भी लोग काफ़ी बुलिश है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और 8 रुपये के आसपास ही कुछ टाइम पहले ट्रेड कर रहा था, आप कितने पे ट्रेड कर रहा है मैंने नहीं देखा, बट यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं, इन लैक्स में रिजल्ट है, ओके यहाँ पर आप देख लीजिए। इंटरेस्ट इनकम देख लीजिए, 1,00,000 अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देख लीजिए,
इंटरेस्ट अर्न 1,70,000, इससे पहले 1,81,000, इससे पहले 1,94,000। तो अगर बात करें यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे, यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है इंटरेस्ट इनकम में, बट फिर भी टोटल इनकम की हम बात करते हैं तो 2,09,825, इससे पहले 2,08,000, इससे पहले 2,34,000। तो ईयरली बेसिस पे गिरावट है, क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली जंप है, कह सकते हैं कि लगभग बराबर ही है टोटल इनकम में। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर और भी चीज़ें देखते हैं, अदर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं एक मिनट, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर देख लिए 1,67,000, इससे पहले 1,70,000, इससे पहले 1,80,000। तो यहाँ पर गिरावट है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट यहाँ पर प्रोविजनिंग की, तो प्रोविजनिंग यहाँ पर कर रखी है यहाँ पर 41,229 लाख रुपीज़, से पहले 49,000, इससे पहले 72,000। तो कम यहाँ पर प्रोविजनिंग यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे कम की गई है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। मतलब लगता है कि कंपनी को, कि बैंक को लगता है कि पैसे इनके रिटर्न आ जाएंगे, तो ओके, या फिर कम हो गए इनके एनपीएस, इन्हें ऐसा लगता है, जो कि अच्छी बात है अगर बात ऐसा हो जाता है तो। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं फॉर द यहाँ पर आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर देखिए 679 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है, इससे पहले नेगेटिव में था, इससे पहले भी नेगेटिव है। तो बात करें क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है अच्छी बैंक ने, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं हम ईपीएस की, तो यहाँ पर ईपीएस पॉजिटिव में आ गया है, मतलब बैंक ने नेगेटिव से सीधे पॉजिटिव में यहाँ पर परफॉर्म किया है। एज वेल एज बात किया है एनपीएस की, तो एनपीए यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रॉस एनपीएस यहाँ पर बात करें 6.97 है इस बार, इससे पहले 4.9 था, इससे पहले 4.98 था। तो क्वार्टरली ईयरली बेस पर यहाँ पर ग्रॉस एनपीएस एज वेल एज नेट एनपीएस दोनों बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एनपीए बढ़ना अच्छा नहीं होता, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट अच्छा है, बट एनपीएस में ग्रोथ है, तो थोड़ा सा दूरी बना के रखे, बिल्कुल छोटा बैंक है, या आप बड़े बैंक में अच्छे अच्छे बैंक्स में यहाँ पर रहेंगे तो अच्छे खासे आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कॉम ऑन कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसके रिजल्ट है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट पेश हो रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर टोटल इनकम की, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल नेगेटिव 0,0 ही है, आई डोंट थिंक सो मैंने क्यों ले लिया है। यहाँ पर फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड सीधे देखते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव में रिटर्न्स है, यहाँ पर इसे कैंसिल कर दीजिएगा, इसे देखने की जरूरत नहीं है। जेएचडब्ल्यू की बात करें, जेएचडब्ल्यू स्टील, इससे पहले हमने जिंदल स्टील के रिजल्ट देख रहे, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट थे। अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड की, कंपनी ने आई थिंक डिविडेंड दिया है कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा आप। हम नीचे सीधे चलते हैं आपका इनके रिजल्ट के पास, तो यहाँ पर इन करोड़्स में यहाँ पर रिजल्ट है, और स्टील के शेयर तो काफ़ी भागे भी है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो 24,593 करोड़, इससे पहले 19,408, इससे पहले 15,423 करोड़ के यहाँ पर टोटल इनकम हुई है, जो कि क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी परफॉर्म करके दिखाया है। एक्सपेंस की बात करते हैं, तो टोटल एक्सपेंस 18,256, इससे पहले 15,000, इससे पहले 13,940 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस था, जो कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात करते हैं यहाँ पर एनपीएडी की, तो 4,018 करोड़ का, इससे पहले 2,829 करोड़, से पहले 242। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्म किया, 20x बात करें तो 20x का परफॉर्म करके दिखाया है। एज वेल एज अगर बात करें 28-29 यहाँ पर 28-29 था, मतलब डबल के लगभग, डबल नहीं 50-60% के आसपास यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी ईपीएस यहाँ पर देख लीजिए, हम 16.70 रुपये का ईपीएस, इससे पहले 11.70 रुपये, इससे पहले 1.01 रुपये का यहाँ पर ईपीएस। तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म किया है, इस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हैं। जिंदल स्टेनलेस स्टील, बट इनका एक सीजन होता है, तो इस चीज़ को देखते हुए, बाकी इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो आपको बताना चाहता हूँ स्टील का काम हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पर ये कंपनी को फायदा होता रहेगा। एज वेल एज कॉनकॉर की बात करें, ओके, यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके रिजल्ट भी यहाँ पर 5 रुपये का डिविडेंड का, यहाँ पर फाइनल डिविडेंड 2 रुपीज़ का यहाँ पर देती हुई नजर आई है। सॉरी, अगर बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए रिजल्ट इन करोड्स में ही है, इन लाइन यहाँ पर स्टैंड अलोन है, इसमें कंसोलिडेट है। टोटल इनकम की बात करते हैं, तो 212 करोड़, इससे पहले 1835, इससे पहले 2000 करोड़ था, इससे पहले 1800, इससे पहले 1600। तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस में यहाँ पर टोटल इनकम में जंप है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, 1891 करोड़ के आसपास है, इससे पहले 1526, इससे पहले 1228। तो एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि पूरी कहानी को चेंज करता हुआ नजर आएगा। एज वेल एज अगर बात
करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, एनपीएटी की, तो 16 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है इससे पहले 237, इससे पहले 294, तो काफ़ी बड़ी गिरावट नज़र आ रही है, तो इससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। ओके, यहाँ पर बात करें, बाकी यहाँ पर डाइवेस्टमेंट से शायद न्यूज आ रही थी, उसका ही यहाँ पर इफेक्ट शायद भाग रहा होगा शेयर। बाकी यहाँ पर आपको मंडे हुए शेयर गिरता हुआ नजर आएगा। 27 पैसे का ये ईपीएस, इससे पहले 3.90 रुपये का था, इससे पहले 4.83 रुपये। यहाँ पर अगर कंसोलिडेट की भी बात कर ले तो कंसोलिडेट का यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। कंसोलिडेट ईपीएस से हमें पूरी कहानी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ईपीएस यहाँ पर भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। एक मिनट, अगर हम यहाँ पर देखते हैं ईपीएस, देखिए यहाँ पर 41 पैसे का ईपीएस, इससे पहले 3.83 रुपये, इससे पहले 5.20 रुपये। तो यहाँ पर पूरी कहानी चेंज हुई पड़ी है, तो इससे थोड़ा सा दूर भी बना के रखिए कॉनकॉर। एज वेल एज बात करें कैम्फैब एल्कलीज, एल्कलीज की बात करें तो यहाँ पर अच्छे अच्छे रिजल्ट एल्कलीज कंपनी ने दिखाए हैं, तो इस कंपनी को इसलिए चूज़ किया गया है। इसे देख लेते हैं डिविडेंड कितना दिया है एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सीधे रिजल्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है ऑब्वियसली, मुझे भी पता है, बट यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट हम देख रहे हैं। इनलैक्स की बात, इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, अगर बात करें यहाँ पर टोटल इनकम 5,194, इससे पहले 4,654, इससे पहले 4,258, तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी जंप है टोटल इनकम में। टोटल एक्सपेंस की बात करें 5,356, इससे पहले 4,584, इससे पहले 4,111, तो अगर बात करें ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर नेगेटिव में रिजल्ट आया है, इससे पहले 129 लाख रुपीज का प्रॉफिट था, इससे पहले 191, तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नेगेटिव में यहाँ पर रिजल्ट है, तो इस कंपनी से दूर रहिएगा। यहाँ पर ईपीएस में नेगेटिव में आ गया है पॉजिटिव से, तो यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है कैम्फैब एल्कलीज। एज वेल एज बात करें सेलिब्रिटी फैशन लिमिटेड, यहाँ पर ये फैशन से रिलेटेड कंपनी दिखाई दे रही है। इसके रिजल्ट अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर इन करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल रेवेन्यू की बात करें 89 करोड़ का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इस बार का है, इससे पहले 52 करोड़, इससे पहले 71, तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा जंप है। टोटल एक्सपेंस 88 करोड़, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हुए दिखाई दिए, इससे पहले 51 थे, इससे पहले 71, तो एक्सपेंस भी उसी तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर बात करें एनपीएटी की, ओके यहाँ पर आफ्टर टैक्स तो 1,70,00,000 के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 71 लाख का, इसके पहले नेगेटिव में था, तो यहाँ पर नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई है, तो अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर कह सकते हैं पेश करे अकॉर्डिंगली कंपनी के हिसाब से। 26 पैसे का ईपीएस है, इससे पहले 22 पैसे का, इससे पहले नेगेटिव में 11 पैसे का ईपीएस था। बिड़ला सॉफ्ट, एट लास्ट हम आ जाते हैं अच्छी अपनी कंपनी पे। देखिए यहाँ पर हमारे पास इसके शेयर भी है। बिड़ला सॉफ्ट की बात करें तो इसका मैंने देखा था, इसका टारगेट एक चार्ट पैटर्न बन रहा था, कव विद हैंडल पैटर्न आज देख रहा था, तो यहाँ पर आपको ये 324 रुपये के आसपास ये जाता हुआ नजर आ सकता है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। 2.5 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने दिया है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। KPIT का आपने नाम सुना होगा, बेहतरीन रिजल्ट पेश करे थे, उससे अलग हुई थी ये, डीमर्ज हुए थे, KPIT अलग हो गई थी। ओके, एज वेल एज यहाँ पर बात करें इसकी, तो ये अलग से यहाँ पर ये कंपनी इसे ही वो डीमर्ज हुई थी। इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है, अगर बात करते हैं टोटल इनकम की तो 9,079, इससे पहले 8,963, इससे पहले 9,259 मिलियंस इन रुपीस है, तो कंपनी ने अच्छा खासा क्वार्टरली बेसिस पे जंप की परफॉर्म किया है। ईयरली बेसिस की बात करें, ईयरली बेसिस पे कंपनी का यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा सा नरम आता हुआ दिखाई दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम। अदर इनकम यहाँ पर पहले 189 थी, क्योंकि 50 है, तो मतलब 150 का डिफरेंस यहाँ पर हो गया, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर फ्लैट होता हुआ, फ्लैट कह सकते हो। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 77,11, इससे पहले 7,597, इससे पहले 8,151, तो यहाँ पर कंपनी ने देखिए ईयरली बेसिस पे एक्सपेंस कम कर दिए है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े बहुत बढ़े हैं। अगर बात करते हैं एनपीएटी की नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो 989 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 963, इससे पहले 690 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट था, तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन लगभग 1/3 यहाँ पर परफॉर्म किया है। एज वेल एज यहाँ पर बात करते 30% का प्रॉफिट कह सकते हैं। यहाँ पर बात करें ईयर क्वार्टरली बेसिस पे, वहाँ पर भी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म यहाँ पर कंपनी ने पेश करती हुई नज़र आई है। तो बिड़ला सॉफ्ट कंपनी का नाम है और आईटी की कंपनी है, तो इसके साथ बने रहिएगा। ईपीएस भी देख लीजिए, 13.56 रुपये का ईपीएस, 3.47 रुपये से वाले 2.49 रुपये, इससे रिलेटेड कल एक वीडियो बनाऊंगा, तो हम बात करेंगे इसका एक चार्ट पैटर्न बन रहा है कब विद हैंडल पैटर्न, और जो कि इसका टारगेट
चाह रहा है कि 325-324 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ये शेयर जाता हुआ नजर आएगा, जो कि अभी 267 के आसपास यहाँ पर नजर आता है। तो डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है, तो इस कंपनी के साथ बनिए रहिएगा, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा परफॉर्म ये भागती हुई नजर आएगी मंडे को शायद। तो इन कंपनी से रिलेटेड रिजल्ट थे जो कि आपको हमने पेश करे, आरती सफ्रेन काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट, धानु का अच्छे रिजल्ट, जी इंटरटेनमेंट फ्लैट रिजल्ट, SBI अच्छे रिजल्ट, एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर इस कंपनी की, कौन सी कंपनी है एक बार देख लेते हैं, एक मिनट, ये साउथ बैंक से यहाँ पर दूर रहिएगा, कॉम ऑन कम्युनिकेशन दूर रहिएगा, ओके अच्छे खासे है रिजल्ट है बट फिर भी दूर रहिएगा, JSW काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट, कॉनकॉर दूर रहिए, ओके कैम्फा वेलक्रीज दूर रहिए, एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर सेलिब्रिटी फैशन अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं, बिरला सॉफ्ट इसके साथ बने रहिए। तो इन कंपनी के रिजल्ट थे, रिजल्ट अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, कौन से रिजल्ट आपको अच्छे लगे वो आप बताइए, आप किस से पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो बताइए, और हमें हमें सपोर्ट करते रहिए, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करिए हमारे चैनल से। बाकी आपका स्वागत है, और अभी अलविदा लेते हैं, बाकी अगली बार यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।